हमारे देश भारत में बहुत से महान राजा हुए हैं, जिन्होंने भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन महान शासकों का इतिहास ईसा पूर्व युग से शुरू होकर आधुनिक भारत तक आता है। इन राजाओं को न सिर्फ भारत में ही बल्कि दूसरे देशों में ही उनकी वीरता और कौशल्य के लिए जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही शासकों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नंबर 4, राजा राज चोला। दक्षिण भारत के राजा राज चोला प्रथम उन शासकों में से एक है जिन्हें हजारों साल बाद भी याद किया जाता है। चोल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक परांतक द्वितीय के पुत्र अरिमोल वर्मन राजा राज चोला प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठे थे। कहते हैं कि उनके शासन काल में चोल साम्राज्य का सर्वाधिक गौरवशाली युग रहा है। वह साम्राज्यवादी शासक थे और अपने अनेक विजयों के परिणाम स्वरूप उन्होंने लघुकाय चोल साम्राज्य को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया था। उन्होंने न सिर्फ अपने साम्राज्य को बढ़ाया बल्कि उनके शासन काल में बहुत से मंदिरों का निर्माण भी हुआ। उन्होंने दक्षिण में अपना शासन बनाया और अपना प्रभाव श्रीलंका तक फैलाया। हिंद महासागर के व्यावसायिक समुद्र मार्गों पर चोल वंश का प्रभाव साफ तौर पर था और उनकी अनुमति के बिना यहाँ कोई व्यापार नहीं कर सकता था। उन्होंने 100 से ज्यादा मंदिरें बनवाई, जिनमें से सबसे उत्तम और ऐतिहासिक तंजोर का शिव मंदिर है, जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। नंबर 3, राजा कृष्णदेव राय। दक्षिण के महान राजा कृष्णदेव राय विजयनगर के शासक थे। कृष्णदेव राय तुलु वंश के तीसरे शासक थे। कहते हैं कि राजा कृष्णदेव राय कूटनीति में माहिर थे। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से आंतरिक विद्रोहों को शांत करके बहमनी के राज्यों पर अधिकार हासिल कर लिया था। उन्होंने राज्य संभालने के बाद अपने राज्य का विस्तार अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक कर लिया था। राजा कृष्णदेव ने कला और साहित्य को भी प्रोत्साहित किया था। वह तेलुगु साहित्य के महान विद्वान थे। उन्होंने विजयनगर में भव्य राम मंदिर और हजारों खम्भों वाले मंदिरों का निर्माण किया था। नंबर 2, महाराजा रणजीत सिंह। शेर ए पंजाब नाम से विख्यात महाराजा रणजीत सिंह को सिख साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने 19वीं सदी में सिख शासन की शुरुआत की थी। बचपन में चेचक की बीमारी में अपनी एक आंख गंवाने वाले रणजीत सिंह एक कुशल शासक थे। उन्होंने 10 साल की उम्र में ही युद्ध लड़ने शुरू कर दिए थे ताकि वो अपनी सीमाओं को सुरक्षित रख सके। उन्होंने पूरे पंजाब को एक किया और सिख राज्य की स्थापना की। महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी और पेशावर समेत पश्चिम क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। कहते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ था कि पश्चिम पर किसी गैर मुस्लिम ने राज किया हो। उन्होंने अपनी सेना को लड़ाई की खास तकनीकें जैसे मार्शल आर्ट सिखवाई थी और सिख खालसा सेना तैयार की। कहा जाता है कि सिंहासन पर बैठने के बाद भी उन्होंने कभी राज मुकुट नहीं पहना था। लाहौर में अपनी आखिरी सांस देने वाले इस महान शासक ने अपने जीते जी अंग्रेजों को पंजाब पर कब्जा करने नहीं दिया था। नंबर 1, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। उन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर के साथ साथ दिल्ली के साम्राज्य पर भी राज करने वाले पृथ्वीराज चौहान अपनी युद्ध कुशलता के लिए जाने जाते हैं। अजमेर का शासन उन्हें अपने पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद मिला था, लेकिन दिल्ली का उत्तराधिकारी उन्हें उनके नाना और उस समय के दिल्ली शासक अंगन पाल ने घोषित किया था। पृथ्वीराज के जीवन को उनके दोस्त और राज्य के महान कवि चंदर बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में वर्णित किया है। कहते हैं कि उन्होंने गौर शासक मोहम्मद घोरी को पहली बार युद्ध में हराया था और हर बार जीवनदान दिया था, लेकिन दूसरी बार पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया और मोहम्मद घोरी ने उनकी आंखें भी निकलवा दी। लेकिन अपने दोस्त चंद्रबरदाई के मदद से उन्होंने खुद प्राण त्यागने से पहले मोहम्मद घोरी को खत्म किया था। तो ये थे कुछ भारत के महान योद्धा। यह वीडियो पिछले वीडियो का पार्ट 2 है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वैसे दोस्तों, भारत के सभी महान योद्धाओं की महान गाथा को एक वीडियो में दिखाना असंभव है। यह मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था, इसलिए आप इस वीडियो का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और यह भी बताइए कि उस वीडियो में कौन कौन से राजा हो सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।